वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दी ऑनरेबल हाई कोर्ट जिन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और ईडी से पूछा है, जवाब मांगा है कि बताएं कि अरविंद केजरीवाल जी को जो कस्टडी में लिया गया है वो पेटेंटली इलीगल क्यों नहीं है और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित क्यों नहीं है। ये भी पूछा गया है कि कैसे अरेस्ट किया है एक अप्रूवर बेस्ड स्टेटमेंट पर। तो अब ईडी को 2 तारीख तक जवाब दाखिल करना होगा और कल जो राउस एवेन्यू कोर्ट में हियरिंग है उसमें अरविंद केजरीवाल जी भाजपा के खिलाफ एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो हाईकोर्ट ने आज के आदेश में टिप्पणी करी है वो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। अभी तक सिर्फ आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के लोग ये बार बार सवाल उठा रहे थे कि ये अरेस्ट गैर कानूनी है, ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक है, ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन आज हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर कानूनी हो सकता है और इसी कारण से हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। और बहुत स्पष्ट तौर से आप देखेंगे कि पैरा 15 में हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को, क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्या ये अरेस्ट इलेक्शन को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि हाईकोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस देश के सामने जो लोकतंत्र के हनन के मुद्दे सामने आ रहे हैं उनका संज्ञान लिया है और ईडी को बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि 2 तारीख तक उनको जवाब देना होगा, 2 तारीख के बाद ईडी को समय नहीं मिलेगा और 3 तारीख को ही कोर्ट अपना फाइनल फैसला सुनाएगा। देखिए ये बिल्कुल साफ है कि आज के दिन में ईडी एक राजनीतिक हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप देखिए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये किस लिए बना था, ये इसलिए बना था कि इस देश में ड्रग ट्रेडिंग ना हो सके, इस देश में आतंकवाद ना हो सके और उनको रोकने के लिए ये पीएमएलए में इतनी सख्त प्रोविजंस दी गई थी। लेकिन आज जो पीएमएलए का कानून है उसे ना काउंटर टेररिज्म में यूज किया जाता है, ना ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए यूज किया जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप पीएमएलए के कानून को देखें तो उसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। जब तक ईडी खुद नहीं कहती कि नहीं जी हम बेल के साथ सहमत हैं, आप दे दो उनको छुट्टी, तब तक कोर्ट के लिए एक अक्यूज्ड को छुट्टी देना, एक अक्यूज्ड को राहत देना पीएमएलए में लगभग असंभव है। तो इसलिए ये साफ है कि कल भी ईडी आके भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार की तरह फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए कस्टडी मांगेगा। ईडी कस्टडी नहीं मांगेगा तो सीबीआई कस्टडी मांगेगी। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हाईकोर्ट ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया है कि अरेस्ट की टाइमिंग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और मैलाफाइड एक्शन दिखा रही है और इसको एग्जामिन करने की जरूरत है।